नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। किसी भी त्रासदी का दर्द किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। उस दर्द को हम सब मिलकर बांट सकते हैं। राजनीति से ऊपर उठकर आगे आकर महाराष्ट्र के संकटग्रस्त लोगों के साथ खड़ा होना है। हमारा महाराष्ट्र पीड़ित है, दर्द में डूबा हुआ है। ये पानी का सैलाब नहीं बह रहा, बल्कि दर्द का दरिया बह रहा है, जिसको शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल सा लगता है। एक ओर कोरोना संकट से सबसे अधिक जूझ रहा महाराष्ट्र, तो दूसरी ओर पानी के कहर ने चारों तरफ चित्कार पैदा कर दी है। घर, खेत, खलियान सब पानी के कहर से तहस नहस हो गए हैं। पानी ने विनाश लीला का तांडव ऐसा खेला कि अपने अपनों से बिछड़ गए। मरने वालों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। हर बढ़ते मौत के आंकड़े से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंखें नम पड़ जाती हैं। तांडव की ऐसी तस्वीर देखकर हर किसी की आंख भर जाए। ऐसा तांडव रायगढ़, कोकण, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर आदि अलग अलग स्थानों पर देखा जा रहा है। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब इस त्रासदी से आहत हैं। स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संकटग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हर बार संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे संकटग्रस्त लोगों के लिए राहत मिल सके। मुश्किल दौर की घड़ी है। इस घड़ी में हर संकटग्रस्त को हर संभव मदद मिल सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। राजनीति करने का वक्त नहीं है, राजनीति बात में की जा सकती है। इस समय सत्ता हो या विपक्ष, राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन या फिर स्वयंसेवी संगठन, हर किसी को विपदा में फंसे हमारे महाराष्ट्र के लोगों को अपने स्तर से मदद के लिए आगे आना चाहिए। माध्यम कोई भी हो, मदद पीड़ितों की हो, ऐसी मंशा के साथ हम सब खड़े होकर आगे आए हैं। हमारा महाराष्ट्र विपदा की घड़ी में खड़ा है। त्रासदी से अपने महाराष्ट्र के लोगों को निकालना है। हम सब मिलकर आगे आए और मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। यही सबसे बड़ी परीक्षा है, हमारी और आप। हम सब महाराष्ट्र को संकट से कैसे और कितनी जल्दी निकाल पाते हैं। विश्वास है आप लोग अपने क्षेत्रों में लगाए जाने वाले राहत शिविरों में जाकर अपना योगदान करेंगे। साइन में आमदार प्रसाद लाड ने राहत के लिए लोगों से अपील करते हुए राहत सामग्री उनके कार्यालय में पहुंचाने की अपील करते हुए दुख व्यक्त किया है। दुखद घटना झाली, ज्यामध्ये अंदाजाने 80 ते 85 लोकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे। अतिशय दुखद व धक्कादायक अशी बातमी सातत्याने कोकणाच्या बाबतीत येते। मग निसर्ग चक्रीवादळ असेल, तोक्ते वादळ असेल, आता आलेला महाप्रलय असेल, कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर, लांजा ह्या सर्व ठिकाणी, रायगड ह्या सर्व ठिकाणी माझ्या कोकणवासियांना मी एकच सांगू इच्छितो की आज आलेलं हे संकट हे निघून जाईल। केंद्र सरकारच्या वतीने नेव्हीची मदत असेल, आर्मीची मदत असेल, NDRF ची मदत असेल, ही सर्वच पद्धतीने होते आहे। राज्य सरकार देखील आता मदतीसाठी पुढे आलं आहे। या विषयामध्ये कुठलंही राजकारण न करता आम्ही सर्व एकत्र येऊन आपल्या मदतीला येऊ, एवढेच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि आपल्याला हा शब्द देतो। आणि या माध्यमातून मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना देखील सांगू इच्छितो की माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोकण हा आपला किल्ला मानला जातो, आता तरी आपण लक्ष द्या। तोक्ते वादळाच्या बाबतीत असेल, निसर्ग चक्रीवादळाच्या बाबतीत असेल, आपण लक्ष दिलं नाहीत, जनतेचे हाल झाले, पण कोकणी माणूस हा स्वाभिमानी असल्यामुळे तो ताकदीने पुन्हा उभा राहिला। पण आता आलेल्या ह्या संकटात तो ताकदीने उभा राहू शकणार नाही, तरी तुम्ही त्यांना मदत कराल ही माझी माफक अपेक्षा आहे। इसी तरह मुंबई के हर क्षेत्र में मदद के लिए इस तरह के कैंप अलग अलग संगठनों, राजनीतिक संगठनों, समाजसेवी स्वयंसेवी संगठनों ने लगाए हुए हैं। आप लोग उनमें जाकर अपने स्तर से मदद कर सकते हैं। एबी न्यूज इस संकट की घड़ी में त्रासदी से पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है। विश्वास है शीघ्र ही हमारी आपकी जंग में विजय होगी। आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं।
सभी बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल किट से लेकर पानी और खाना भी पहुंचाने का काम तेजी से शुरू है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर अपने महाराष्ट्र को तेजी से संकट से उबारें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आगे इस तरह की कोई विपदा फिर महाराष्ट्र के सामने ना खड़ी हो। आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान से भी प्रार्थना करें कि इस तरह की आपदा का सामना ना करना पड़े और मृतकों की संख्या में कोई इजाफा ना हो। इस विश्वास के साथ कि संकट ग्रस्त लोगों के लिए आपका सहयोग साथ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।